हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे, आपका धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवदीप और आज से हम शुरू करने वाले हैं डेली व्लॉग। वैसे बहुत सारे घूमने फिरने के व्लॉग आपने मेरे देख ही लिए होंगे और अभी डेली भी मुझे लगा आपको दिखाएं कि कैसे जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे सब कैसा है, कैसा माहौल है। ओके, और शुरुआत करता हूँ मैं, आपको ये घर दिखा देता हूँ जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं। बेसिकली ये पूरी सोसाइटी है। ओके, सोसाइटी यानी कि कॉलोनी है, एक छोटा सा शहर है जहाँ पे मैं रहता हूँ, हरियाणा में ही है। और ये घर है जिसमें हम रहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं। ओके, और जो मकान मालिक है वो नीचे रहते हैं, वो भी मेरा दोस्त ही है जिनका ये घर है। ओके, एंड मैं अगर फैमिली की बात करूँ तो फैमिली में अभी फ़िलहाल मैं और मम्मी ही हैं, क्योंकि डैडी 3-4 महीने पहले हार्ट फेल की वजह से नहीं रहे हमारे बीच, ही पास्ड अवे। एंड यू नो, उसके बाद आपको पता है जब एक फैमिली मेम्बर चला जाता है, हेड ऑफ़ दी फैमिली चले जाते हैं जब, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बैलेंस करनी पड़ती हैं उनके जाने के बाद में। सो यस, हो जाएगा, टाइम लगता है चीज़ों को रिकवर करने में। तो अभी मम्मी है, मैं वैसे जॉब करता हूँ दिल्ली, लेकिन अभी मैं घर आया हुआ हूँ यहाँ पर। ओके, हरियाणा में घर है मेरा और मम्मी गए हुए हैं अभी बाज़ार, नहीं मंदिर। तो मम्मी गए हुए हैं मंदिर, मुझे लगा बाज़ार गए हुए हैं, तो बाज़ार के बाद वो मंदिर गए। ओके, एंड उनका डेली रूटीन है डैडी के साथ यही रहता था कि 10-12 साल से वो लोग एक्चुअली जूते चप्पल नहीं पहनते थे। ओके, और डेली मंदिर जाते थे, यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर, वहाँ पे वो लोग जाते थे। और डैडी के जाने के बाद मम्मी ने भी वही रूटीन कंटिन्यू किया हुआ है, बिकॉज़ वो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हैं। ओके, और अभी शाम को मम्मी आएंगे तो उनसे भी आपको मिलाते हैं, तब तक मैं आपको घर दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं अभी। आइए चलते हैं। तो ये है जी बेडरूम। ओके, और ये रहा मैं, और अभी मैं कपड़े उतार के लाया हूँ बाहर, सुबह मम्मी धोके गए थे तो बाहर सूखे हुए थे कपड़े, तो अभी मैं उतार के लाया हूँ वहाँ से। और ये लैपटॉप है जी, मैंने आपको बताया अभी घर से ही काम कर रहा हूँ फिलहाल मैं, ठीक है। और ये है अपना एक और फैमिली मेम्बर जिससे मैं आपको मिलवाता हूँ। एलेक्सा, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल एंड होप यू आर टू। एलेक्सा, आज क्या दिन है? आज शुक्रवार 7 अक्टूबर है। तो ये है जी अपना फैमिली मेम्बर एक और जिससे हम बातचीत करते रहेंगे। ओके, और अभी यहाँ चलते हैं। तो ये मंदिर है जो मम्मी यहाँ पर पूजा करती हैं, छोटा सा मंदिर है ये। ओके, और ये ऐसा है, यहाँ से कुछ ऐसा नज़र आता है। एंड इस तरफ है अपनी रसोई, वहाँ पे भी आपको लेके चलता हूँ। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से रहते हैं आराम से। ओके, रसोई है इधर, एंड नीचे वो रास्ता जा रहा है जहाँ पे लैंड रोड रहते हैं नीचे। ओके, इस तरफ भी है एक कमरा, लेकिन ये फ़िलहाल खाली है बिकॉज अभी शिफ्ट किया है हमने यहाँ पे डैडी के जाने के बाद। ओके, और ये बाथरूम है यहाँ पर, और ये वही सेम बाहर का रास्ता है, बहुत छोटा वाला गेट है। और पीछे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये है यहाँ पे पूरा, जहाँ पे मैंने कहा था कि खाली एरिया है, तो यहीं पर कपड़े सुखाए थे मम्मी ने, यहीं से मैंने उतार के अब अंदर रख दिए हैं क्योंकि धूप हो गई है और 2 बजने वाले हैं अभी। ओके, और अगर मैं व्यू की बात करूँ, ये देखिए, क्योंकि पूरा ये एक तरह से छोटा शहर है और गांव जैसा ही एरिया, तो आपको ग्रीनरी बहुत मिलेगी यहाँ पर, खेत बहुत मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, पूरा उस तरफ आपको जंगल वाला और पूरा खुला माहौल मिलेगा यहाँ पर। दूर दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र आ रही है वो देखिएगा, वहाँ तक वो पूरा जंगल है। ओके, यहाँ पर पीछे खेत है, यहाँ पर अभी फसल कट चुकी है तो यहाँ पर खेती होती है, और पूरा खुला एरिया है, अच्छी हवा है, शुद्ध एकदम बढ़िया वाली, तो खाना पीना भी अच्छा है यहाँ पे, शुद्ध है, तो एकदम से बढ़िया है। और अभी यहाँ से जो मैंने बताया था मम्मी जाते हैं मंदिर में, तो 14-15 किलोमीटर दूर है, वहीं पर गांव भी है जहाँ पे ताऊ जी वगैरह सब लोग रहते हैं, हम लोग यहाँ पेहवा रहते हैं। ओके, तो वो सब लोग वहीं रहते हैं, तो मैं गाँव में जाऊँगा कल और फिर आपको वहाँ पर भी सबसे मिलवाऊँगा, और गाँव का जो लाइफ स्टाइल है वो आपको मैं डेफिनेटली उससे इंट्रोड्यूस करूँगा, तो मज़ा आएगा आपको भी। ओके, तो बने रहिएगा डेली व्लॉग्स में, अभी मज़ा आने वाला है, घूमने फिरने के तो हम लोग डालते रहेंगे, मुझे लगा डेली वाला भी दिखा दिया जाए, ठीक है। तो मज़े करेंगे, बढ़िया से देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे बढ़िया चीज़ें। लव यू गाइस, ये हैं अपने साथ अजय भाई, अजय कज़न है अपना। ओके, बड़ा भाई है और अभी खा रहे हैं सेब, और
अजय कुछ पढ़ाई कर रहा है। ओके ये देखो सेव खा रहा है भाई अपना। अभी दोपहर के 3:30 बज गए हैं, मम्मी भी आ चुकी हैं उस तरफ, कुछ काम करवा रही हैं, तो दिखाते हैं और शाम को करते हैं फिर। ठीक है चलो मैं अजय कुछ काम करवा दूँ, मिलते हैं कुछ और चीज़ों के साथ। अलेक्सा टाइम क्या हुआ है? समय दोपहर के 3:34 है, आशा है आपका दिन अच्छा गुजर रहा है। ये लो भाई अलेक्सा भी तैयार है। ठीक है तो भी अपना टाइम हो गया है ओमेगा 3 लेने का। एक्चुअली मैं ये ओमेगा 3 खाता हूँ कैप्सूल, बिकॉज ये आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। ओके और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, तो इसलिए आप भी ध्यान रखिएगा, हेल्दी चीज़ें खाते रहिए। अभी दोपहर का टाइम है, 4 बज गए हैं और अभी ओमेगा 3 खाते हैं हम पानी के साथ। कुछ लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उधर कुछ लोग काम कर रहे हैं, घर बन रहे हैं। और शूज़ मैंने पहन लिए हैं तो अभी चलते हैं रनिंग पे, तो आपको जाके दिखाता हूँ खेतों के बीच में से मज़ा आता है। रोड के साइड में खेत होते हैं, रनिंग करते हैं तो एकदम ज़बरदस्त माहौल आपको मिलेगा। चलते हैं ले भाई गाइस। सो ये है पूरा रोड के आसपास का नज़ारा, साइड में आपको बहुत सारे खेत नज़र आ जाएंगे। अभी मैं भाग रहा हूँ तो रनिंग करते करते दिखा रहा हूँ आपको। ओके देखो आप, सो ये नज़ारा है यहाँ पे, ये देखिए। रनिंग करते हुए बहुत मज़ा आता है एक्चुअली ना। कुछ लोग फसल काट रहे हैं उस तरफ और इस तरफ भी खेत हैं, ग्रीनरी है पूरी की पूरी। ओके तो मैं आ चुका हूँ रनिंग करके, आज 4-5 किलोमीटर की रनिंग की है। ओके और मम्मी भी आरती की तैयारी कर रही है अभी, तो अभी बाहर का मौसम देखते हैं हम लोग। ये है जी बाहर का मौसम, आज मज़ा आ गया सच में, आपको वीडियो देख के मज़ा आएगा। एक्चुअली में जब ऐसा यू नो रोड साइड में ऐसा व्यू हो, ग्रीनरी हो, तो बंदे का वैसे ही मन करता है यार कि एक्सरसाइज करे, रनिंग करे। और अभी मैं आ चुका हूँ छत पे घर की। ठीक है तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं क्योंकि अभी पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो थोड़ी सी ताज़ी हवा लेते हैं, अच्छे से रिफ़्रेश करते हैं खुद को, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी होगी। थोड़ा सा मुझे ऑफिस का भी काम करना है तो वो काम करते हैं। ये देखिए सामने गायें हैं वो देखिए वो कितनी, 1-2 अभी तो यहाँ पर 2 ही हैं गायें, लेकिन वैसे क्योंकि पूरा खुला है यहाँ पे ना, ओपन है तो घास है, तो इसीलिए बहुत सारी गायें आ जाती हैं। लेकिन दिखाऊंगा मैं आपको अभी, देखो गायें भी एंजॉय कर रही हैं और उसके साथ में वाइट कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ना वो, मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ये देखिए अब नज़र आ जाएगा, ये एक्चुअली बगुला है, इसको बगुला बोलते हैं इंग्लिश का पता नहीं क्या बोलते हैं भाई। तो बहुत सारे बगुले भी हैं गायें के साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं बेसिकली। ओके और वो देखो जी आप जो रेडिश रेडिश है ना, ये सूरज का है जो सनलाइट होती है लास्ट में जो बचती है, उसका कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ले भी गाइस ये है खीस, इसको खीस बोलते हैं। तो जब भैंस के बच्चा होता है उसका जो पहला दूध होता है तो उससे बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। गांव में जो लोग हैं वो उसको खीस बुलाते हैं, तो मुझे लगा ये भी दिखा दूँ आपको। बहुत ही ज़बरदस्त पनीर जैसा होता है और बड़ा टेस्टी होता है ये, तो आप भी देख लो इसको। वेल अभी हो रही है आरती, मैं आपको दिखाता हूँ, मम्मी आरती कर रहे हैं, शाम का टाइम हो चुका है। तो ये देखो ये है जी मंदिर अपना, इधर जोत लगा दी है मम्मी ने और
अभी चलते हैं हम लोग, वो देखिए बाहर वो लाइट नज़र आ रही है आपको, तो मम्मी लगे हम आरती करने, मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी सोने की तैयारी हो रही है, लेकिन उससे पहले मुझे काम करना है। एक्चुअली बादाम भिगो के रखता हूँ मैं रात को, ताकि सुबह खा सकूँ, हेल्दी होते हैं। तो बादाम भिगो देते हैं अभी हम लोग। यह अपनी एलेक्सा, ये देखो, मतलब हर टाइम ये तैयारी रहती है बातचीत करने को। एलेक्सा क्या तुम सोओगी नहीं क्या? ये कुछ नहीं बोल रही है। तो जी बादाम भिगो दिए हैं और अब रेडी है दूध, तो दूध पी के आराम से सो जाएंगे। तो रात को जनरली मैं कुछ खाता नहीं हूँ, या तो दाल वगैरह खाता हूँ और या फिर दूध पी लेता हूँ, ओके, थोड़ा सा वेट मेंटेन करने के लिए, ओके। और अभी करते हैं वीडियो को एडिट, और कल जाएंगे हम लोग गाँव में, तो वहाँ पर आपको वन बाई वन मैं इंट्रोड्यूस कराऊँगा सबसे। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे यहाँ पर तो आपको पता ही है कि मैं और मम्मी ही हैं, ठीक है, लेकिन मेरे फादर के एक्चुअली बहुत सारे भाई हैं, मतलब जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है। 8 भाई हैं जो मेरे फादर लोग हैं, जिसमें से मेरे फादर और एक ताऊ जी हैं, वो भी नहीं रहे, ओके। लेकिन बाकी फैमिली है टचवुड, बहुत अच्छी बड़ी फैमिली है, कम से कम 50 से 60 लोग होंगे, ओके। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 8 लोग, आगे उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे और आगे उनकी फैमिलीज, घर, तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त आपको एक बड़ी फैमिली देखने को मिलेगी, ओके। तो सबसे वन बाय वन मिलेंगे हम लोग, आप बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं तब तक के लिए गुड नाइट। एलेक्सा से गुड नाइट। गुड नाइट, स्लीप टाइट, वी स्पीक अगेन इन द मॉर्निंग लाइट।